हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इस नाश्ते को हमने बहुत ही कम तेल में बनाया है और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 200 ग्राम पत्ता गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। हमने इसे मिक्सी जार के अंदर ग्रेट किया है। मिक्सी में पीसते टाइम ध्यान रखना है कि मिक्सी को एक साथ नहीं चलाना है, ऑन ऑफ करते हुए इसे पीसना है, वरना आपका पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। या आप ग्रेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने एक बारीक कट की हुई गाजर को डाला है जो मीडियम साइज़ की ली थी। इनकी मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे। दो बारीक कट की हुई हमने इसके अंदर हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च की मात्रा भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन को हल्का दरदरा पीस कर इसके अंदर डालेंगे। आप इसका फाइन पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे इसका कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया डाला है, इसकी मात्रा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इसके अंदर हमने चाट मसाला डाला है। 1/4 चम्मच ही काली मिर्च पाउडर डाली है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू का रस डाल सकते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर हमने सफ़ेद तिल डाला है, इसकी मात्रा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं इसके अंदर। 1/2 चम्मच के लगभग इसके अंदर हमने सांभर मसाला डाला है। ये एकदम से ऑप्शनल है, आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। हमने भुने हुए जीरे का यूज़ नहीं किया है। अब इसके अंदर 1 कप बेसन डालेंगे, पर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और उसे साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इसके अंदर हम बचे हुए बेसन को भी डाल देंगे। हमने टोटल यहाँ 1 कप बेसन का ही यूज़ किया है। अगर आप बेसन से नहीं बनाना चाहते तो आप इसके अंदर सूजी का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बैटर को थोड़ा सा पतला बनाने के लिए इसके अंदर दही डालेंगे। हमने 2 बड़े चम्मच दही डाला है और बाकी हम पानी डालेंगे। आप टोटली इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं। अब इसे हम मिक्स करते जाएंगे, पर ध्यान रहे एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँ और साथ में इसे मिक्स करते जाएँ। अगर आप हमारे चैनल की और भी बाकी रेसिपी या राजस्थानी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाला है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर टोटल दही की जगह पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। देखो, इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में हमने पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और इसके अंदर एक हम रिंग रख देंगे ताकि इसके अंदर हम कटोरियों को अच्छे से सेट कर पाएँ। हमने यहाँ मीडियम साइज़ की 5 कटोरियाँ ली है। इसको हमने अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम बैटर के अंदर 1 चम्मच इनो डालेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है खाने का, वो डाल सकते हैं। अब इसे हम जल्दी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसे हमें तुरंत ही कटोरियों के अंदर डालना है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम बैटर को कटोरियों के अंदर अच्छे से डाल देंगे, पर ध्यान रहे हमें कटोरियों को पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, ऊपर से थोड़ा खाली रखना है। अगर आप इसे कटोरियों के अंदर नहीं बनाना चाहते तो आप अपनी पसंद के हिसाब से जिस बर्तन में बनाना चाहते हैं उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके उसमें आप बना सकते हैं। हमने कटोरियों को अच्छे से भर लिया है, पर इसे टेप नहीं करना है और ऊपर से देखो हल्की सी खाली है, ताकि अच्छे से फूलेगी तो बाहर नहीं निकलेगा। अब हम सभी कटोरियों को कढ़ाई के अंदर अच्छे से सेट कर देंगे रिंग के ऊपर। सावधानी से करना है क्योंकि पानी गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सभी कटोरियों को रख कर इसे हम ढक देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे बेक होने देंगे। देखो, अच्छे से फूल कर तैयार हो चुकी है। अब हम कांटे या चम्मच की हेल्प से इसे चेक कर लेते हैं। देखो, अच्छे से बेक हो चुकी है, चम्मच के नहीं चिपका है। अब गैस को बंद करके सभी कटोरियों को हम बाहर निकाल लेंगे। जब हल्का ठंडा हो जाएगी तो ये कॉर्नर को अपने आप छोड़ देगी। देखो इस तरह से, अगर ना छोड़ पाए तो आप चाकू की हेल्प से इसे साइड के कॉर्नर को स्क्रैच कर लें। अब हम सभी कटोरियों को पलट कर आसानी से इसे निकाल लेंगे। देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है, बहुत ही जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट बनी है।
वैसे तो ये नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, पर इसके ऊपर हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने एक तवे पे 2 चम्मच के लगभग तेल डाला है। हमने बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है, आप इसकी जगह घी का या बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तेल हल्का गर्म होने के बाद में इसके ऊपर 1/2 चम्मच राई डालेंगे और 1 चम्मच तिल डालेंगे, जिसे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसकी जगह हींग का यूज़ भी कर सकते हैं, या करी पत्ता हो तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हमारा तड़का बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर सभी ढोकले हम अच्छे से सेट कर देंगे और हल्का गोल्डन और हल्का क्रिस्पी होने तक इनको दोनों तरफ से हम उलट पुलट करते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। गैस को हमने एकदम से लो टू मीडियम ही रखा है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है। आप बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएगा। देखो, हमारे ढोकले अच्छे से गोल्डन और अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं दोनों तरफ से। अब हम गैस को बंद कर देंगे। लो जी, हमारे गोभी का नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम आपको एक तोड़ के भी दिखा देते हैं। देखो कितने अच्छे से सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा।